हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, सच मानिए वो देश बहुत ही खास है। कहने के लिए देश छोटा है लेकिन बहुत ही पैसे वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस देश को पॉकेट ऑफ डायनामाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश बहुत धनी देश है। आज हम जिस देश की बात करेंगे, वहाँ के लोग 3 भाषाओं को जानते हैं। साथ ही इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। आप इस देश के बारे में जितना भी जान जाएं, कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। इस देश में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो यहाँ के नहीं बल्कि दूसरे देशों से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोग बहुत पैसा कमाते हैं, काम कम, और इन्हें पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। और हाँ दोस्तों, इस देश में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ सबसे ज्यादा वाइन की वैरायटी मिलती है, इसलिए अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफर की, और आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश और काफी फेमस देश, जिसका नाम है लक्ज़मबर्ग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, लक्ज़मबर्ग को यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है, लेकिन कई मामलों में ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। लक्ज़मबर्ग सिटी 4 यूरोपियन सिटी कैपिटल्स में से एक है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 2,586 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की सीमा पश्चिम में बेल्जियम, फ्रांस और दक्षिण में जर्मनी से मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को एक घंटे काम करने के लिए $6 से $7 इजीली मिल जाते हैं। जी हाँ, अगर दोस्तों महीने में आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो भी आप अपना खर्चा बहुत अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो दूसरे देश के होते हैं। मतलब यहाँ पर जो लोग रोड की सफाई करते हैं वो सभी दूसरे देशों से आए होते हैं, और ये सभी होते हैं फ्रांस, बेल्जियम या फिर जर्मनी से। यहाँ के स्थानीय लोग खेती या फिर बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक ये देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ पर आपके ऊपर ना ही हमला होता है और ना ही चोरी होती है। आप यहाँ की सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में कुल 1300 पुलिस वाले ही हैं, और यहाँ पर केवल 2 जेल हैं, वो भी हमेशा खाली रहती है। अब जेल की बात की जाए तो आपको बता दें कि जेल भी 3-स्टार होटल से कम नहीं है। इस जेल में आपको अपनी पसंद की कॉफी, बिस्तर और कमरे मिल जाएंगे। इस देश में 60% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पैदा ही नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, ये सब प्रवासी हैं जो कि अलग अलग देशों से आकर यहाँ बस गए हैं। इस देश में सबसे ज्यादा पुर्तगाल के लोग पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में लक्ज़मबर्ग में लगभग 170 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, जिसमें से तो कुछ भारतीय भी हैं। जब भी आप इस देश की सैर पर जाएंगे तो आपको इंडियन जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, सिटी ऑफ लक्ज़मबर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, क्योंकि यहां का इतिहास और कुछ इमारतें बहुत ज्यादा पुरानी हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। दोस्तों, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, और साथ ही यहाँ के लोग बहुत पैसा कमाते हैं, और ऐसे में ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति 1000 लोगों पर कार रखने वाला देश भी बन गया है। यहाँ पर 2018 में एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक प्रति व्यक्ति 1000 लोगों के ऊपर 864 कारें हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ के लोगों की पहली पसंद वॉक्सवैगन कार है। जी हाँ दोस्तों, वही वॉक्सवैगन जो कि मेरी भी फेवरेट है। वैसे हाँ दोस्तों, आपको कौन सी कार पसंद है ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, BMW, Audi या फिर कुछ और। दोस्तों, लक्ज़मबर्ग को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 150 से भी ज्यादा निवेश बैंक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ आपको बिजनेस या फिर काम को बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। अगर इस देश के धर्म की बात करें तो इस देश को सेकुलर कहा जाता है, और यहाँ आपको बता दें कि यहाँ 87% लोग रोमन कैथोलिक है। तो चलिए अब घूमने फिरने की बारी आती है लक्ज़मबर्ग की। सबसे पहले हम जाएंगे नीमेंस्टर। दोस्तों, जब आप नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की स्थानीय संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए आप बहुत सारी ऐसी जगहों को खोजते हैं जो आपको इजीली उनके मैसेज कन्वे कर दे। इसलिए हम सबसे पहले आपको लेकर जाएंगे न्यूमेंस्टर। दोस्तों, न्यूमेंस्टर मठ है, इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड भी होने वाला है। ये एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि शाम के समय जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ के नज़ारे बेहद ही खास नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको शाम को रेनबो भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये है नोट्रे डेम कैथेड्रल।
दोस्तों, नोट्रे डैम कैथेड्रल लक्ज़मबर्ग के सभी चर्चों में से सबसे अनोखा है, इसलिए ये ऐतिहासिक रूप से भी काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। आध्यात्मिक स्थानों में यात्रा करने के लिए ये खास धार्मिक स्थान है। ये जगह आपको आने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, ये है ग्रेट डुकल पैलेस। ग्रेट डुकल पैलेस लक्ज़मबर्ग में उन कुछ महलों में से एक है जो अभी भी यूज किए जाते हैं। इनमें से अधिकांश महलों को पहचानने के लिए आपको यहाँ आना होगा और इसकी खूबसूरती को देखना होगा। यहाँ का कल्चर और यहाँ का ट्रेडिशन इन महलों में बहुत अच्छे से नजर आता है। सो डेफिनेटली यू हैव टू गो। दोस्तों, ये है पेट्रुस। दोस्तों, पेट्रुस लक्ज़मबर्ग के बीचों बीच बहती नदी है। जहाँ पे ये बहती है, आपको यहाँ पर इटली के वेनिस शहर जैसी फील आएगी। मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर आपको इटली के वेनिस जैसा फील आएगा, बिल्कुल जैसे कि वहाँ पर आता था। दोस्तों, यहाँ के लोगों को चीज बहुत पसंद है। आपको यहाँ पे जो भी डिशेस मिलेंगी उसमें खासकर चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोगों को चीज पसंद है। आपको अगर चीज पसंद है तो यहाँ की फेवरेट डिशेस को जरूर ट्राई करिएगा। साथ ही यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत अनोखी होती है। अगर आप यहाँ पर समय लेके आएंगे, और समय कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसी के साथ दोस्तों, लक्ज़मबर्ग की ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है, उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इंतजार होगा। मिलते हैं आपसे अगली एक और खास डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।